वो यूजुअली बच्चों से मिलता है और यहाँ पे आके जब बच्चों का रिएक्शन देखा तो लगा कि मतलब हमने अच्छी फिल्म बनाई है और आशा करते हैं कि बच्चे भी जाएं बड़े भी जाएं और 26 तारीख को इस फिल्म को ज़रूर देखें, आप इंजॉय करेंगे। फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और फिल्म में एक्शन भी बहुत अच्छा है और एक ओवरऑल पैकेज है फिल्म, तो आप जाइए और ज़रूर देखिए। किसका आइडिया था इस तरह का? अमूमन प्रमोशन हम देखते हैं मॉल्स में होता है और ये बहुत अपने आप में यूनिक लगा मुझे। बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको बुक्स देना, एजुकेशन की बात करना फिल्म के माध्यम से, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। ये आइडिया और इसका श्रेय पूरी तरह से हमारे पीआर अभिषेक जी को जाता है। ये उन्हीं का आइडिया था और उसके लिए उनका धन्यवाद। उनके इस आइडिया ने थोड़ा काम किया ऐसा लग रहा है और बच्चों के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो मुझे लगता है हम कह पा रहे हैं, तो इसके लिए अभिषेक जी को फिर से धन्यवाद। थैंक यू। ओके मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत की बात है, म्यूजिक की बात है और यू आर हियर टू प्रमोट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, टेल द बदो और कैसा डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक व्हेन यू सी चिल्ड्रन इन द स्कूल, इट डज इट रिमाइंड यू योर स्कूल डेज? सबसे पहले तो ये कहूँगी आज दशहरा है और आज दशहरा के प्रमोशन के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, और किसके साथ? बच्चों के साथ मनाने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि बच्चे इतने पसंद किया है और जो मैं गाना विजय वर्मा जी ने जो म्यूज़िक दिया है, बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक, रेखा भरद्वाज जी के साथ एक डुएट गाना जो मैंने गाया, बच्चे का गुनगुनाने लगे, बच्चे को ज़ुबान पे आ गया, तो गाना तो सुपर हिट है ही। और ये जो गाना है, बहुत सालों के बाद एक डुएट गाना आया है जो प्रॉपर डुएट, लेडीज़ डुएट, डिफरेंट वॉइस टेक्स्चर के साथ विजय जी ने इतना अच्छा से गाना बनाया और इतना अच्छा से निकाला वो गाना, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है। थोड़ा सा आइटम सॉन्ग है, मुझे लोग कह रहे थे कि बाहुबली में आपने रोमांटिक भजन के बाद एकदम आइटम सॉन्ग, तो मैंने कहा हाँ, गॉड ग्रेस एंड वर्सेटाइल, सो आई कैन सिंग बोथ ऑफ बोथ स्टाइल, तो अच्छा लगा मुझे। और बहुत खुशी है कि ये जो फिल्म है, अपना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, एक लेडी प्रोड्यूसर, मुझे मालूम है प्रोड्यूसर को कितने मुश्किलात के सामना करना पड़ता है और एक लेडियों को उन्होंने संभाले, सबसे बड़ी बात है। रिलीज़ हो रही है फिल्म और इतना अच्छा थीम है, इसमें मैंने जो प्रमोशन में जो लुक्स दिखाए, नील नितिन मुकेश वॉज लुकिंग अमेजिंग, और दशहरा मतलब रावण वध, जो खराब चीज़ का जो अंत है विनाश, ये मेरे ख्याल से इस फिल्म का ये है। और बच्चे के साथ इसलिए अच्छा है कि बच्चे जो है हमारे भविष्य है, उनको कुछ अच्छा सिखाया जाए तो भविष्य में वही काम आएंगे, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा, जब मैं फेमस डेट्स की बात करता हूँ मधु जी, वो कहीं दौर खत्म होता चला गया है जी, आफ्टर आई वुड से अ लॉन्ग गैप यू एंड रेखा जी टुगेदर जी, तो मेरे ख्याल से एक गाना शुरू में बहुत अच्छा फेमस था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये था। उसके बाद एक खलनायक में एक चोली के पीछे तो डुएट सॉन्ग था, प्रॉपर डुएट सॉन्ग, उसके बाद ये इतना अच्छा एक डुएट सॉन्ग बना है जो बहुत ही। वजह मानते हैं आपकी कम फीमेल डुएट सॉन्ग होते हैं, सिचुएशन रखी नहीं जाती है, व्हाट डू यू थिंक एज अ सिंगर? आई डोंट नो, बिकॉज़ ये थिंकिंग जो मेरा नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर का है, ये प्रोड्यूसर का है, फिल्म में सिचुएशन होना चाहिए और मेरे ख्याल से डुएट फीमेल डुएट तो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है आपको प्रोड्यूसर को पूछना चाहिए। ओके मैम, एक अलग तरह की फिल्म, एक अलग तरह की कोशिश, इट आल्सो रिमाइंड मी व्हेन यू सी नील नितिन मुकेश इन दिस अटायर, इट रिमाइंड मी ऑफ यू नो सिंघम, अजय देवगन साहब, तो क्या कुछ रेफरेंसेस थे या कहानी ऐसी? कहानी पहले हमारे पास आई थी और कहानी के हिसाब से फिर हमने आगे का वर्कआउट किया कि किसको लेना है, और बहुत सारे एक्टर पुलिस के इसमें आ चुके थे, एक नील ही मुझे ऐसा दिख रहा था जो
विनय जिन्होंने पुलिस का काम नहीं किया था, वो हमारे कैरेक्टर में सही बैठ रहे थे, तो इसलिए हमने नील का चुनाव किया था। और एक कुछ अलग तरह की कहानी है, अलग तो नहीं कह सकते, बुराई भलाई के बीच की लड़ाई है जो बहुत सारे फिल्मों आप देखते हैं, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट अलग है, फिल्म का म्यूज़िक अलग है, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट है। और नील की लाइफ में मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरह का किरदार कभी निभाया नहीं, तो उनके लिए एक अलग से फिल्म ये साबित होगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी जी, फिल्म रिलीज़ के कगार पे क्या नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, किस तरह की फिल्म, जब आप फिल्म देखिए हर फ्राइडे दुनिया बदलती है बॉलीवुड की, अगर बात करें, आर यू नर्वस? हाँ थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि सबको नर्वस होना चाहिए। मुझे लगता है कि नर्वस जब आप होते हैं तभी आपको सफलता देखने को मिलती है। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन खुशी भी है फिल्म रिलीज के कगार पर है, अब जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू। लास्टली म्यूजिक की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, दो लाइनें अगर गुनगुना दे गाने की। ये गाना गाते वक्त तो मज़ा आ गया था, मैंने विजय जी से पूछा मेरा कैरेक्टर क्या है, तो खैर वो कैरेक्टर तो मैं नहीं बताऊँगी, अब गाना सुन के समझ जाएंगे। विजय जी आ जाइए। मायरे छेड़े हेलो का मायरे, तारे हेलो का मायरे, घूरे हेलो का ताना, मारे हेलो का बैरी, दैया दैया बैरी भाई है ये अंगड़ाई रे। मायरे छेड़े हेलो का मायरे, तारे हेलो का मायरे, तारे हेलो का ताना, मारे हेलो का दैया, बेरी भाई है ये अंगड़ाई रे। Really, you know, while working on this particular song, it was always there in your mind, you want Madhu to be a part of it along with Rekha ji. Madhu is one of the versatile singer, I would say, you know. Yeah. Do you think कि अभी भी बहुत कुछ मधु से निकालना बाकी है जो निकला नहीं? हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा अंडर यूटिलाइज्ड है अभी तो, और जो मधु की आवाज़ में जो मधुरता है ना, वो अभी तक भी अनटैप्ड है। रहमान साहब ने किया है और यहाँ तो लोग कर ही नहीं पाए। मेरी जानकारी में जब से इनकी आवाज़ है, मतलब हम जब आए थे यहाँ इस शहर में, तब से ये मेलेडी दिमाग में थी, उस फिल्म में की थी साथ में, ये पहले रिलीज हुई साथ में, सो ये एक आइडिया था कि एक जब सिचुएशन आई अपर्णा जी ने और फिल्म डायरेक्टर मनीष जी ने जब ये कहा कि ऐसी सिचुएशन है, सो ये हुआ कि चलो एक बहुत जमाने बाद एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे एक फीमेल डुएट जैसा कुछ किया जाए, तो उसमें सबसे पहले यही दो आवाज़ें आई थी, भाई एक आवाज़ मधुसी की रहेगी और एक रेखा जी की रहेगी, तो ये एकदम डिसाइडेड था, इसमें कहीं कोई ऑप्शन और कहीं कोई विशलिस्ट नहीं थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा रेखा भारद्वाज की तरफ दूसरी तरफ मधुसी रिकॉर्डिंग करना? इट विल बी अ दोनों ही बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों बहुत कमाल के सिंगर्स हैं, और बहुत अच्छा रहा, गाना अच्छा हो तो सब सारा माहौल अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत सपोर्टिव था और पूरी टीम अच्छी थी सब। तो विजय जी आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डी नॉट नॉस्टैल्जी? हाँ, आज तो ऐसा अपना मिडिल स्कूल याद आ गया बिल्कुल, और हम लोग भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं बिल्कुल अपने गांव में, तो ऐसा ही होता था, इतनी अंग्रेजी हम लोग नहीं बोलते थे जितना ये बच्चे बोल रहे थे, बट माहौल लगभग ऐसा ही होता था मिला जुला के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलग सवाल है, क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, मीटू मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस बारे में क्या राय है, जो औरतें मतलब जो एक्ट्रेसेस है खुल के बोल रही है, तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? देखिए मी टू मूवमेंट को तो मैं सपोर्ट करती हूँ, करना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं, झेप जाते हैं, इनके लिए एक रास्ता खुल रहा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि दोनों तरफ का जो है वो अच्छा से जांच किया जाए, उसके बाद ही कुछ एक्शन किया जाए, वो होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कर दिया मैंने इमिजिएटली, मतलब स्कूल का परमिशन भी ले लिया, क्योंकि जो खुशी आज मैंने बच्चों के चेहरे पे देखी है कि वो इनफैक्ट ऐसे बहुत बड़े हाई एंड स्कूल्स के बच्चों को भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि जिस तरह से आज आप यहाँ पे आई और आप लोगों ने इंटरेक्ट किया, मधुश्री जी ने इतना बहुत बढ़िया गाना सुनाया उनको, और सरप्राइजिंगली मतलब मधुश्री जी ने तो बाहुबली में भी गाना गाया था, और वो फिल्म बच्चों की सबसे फेवरेट फिल्म निकली, तो दे वर सो हैप्पी कि वो मुझे आके दे स्टार्टेड हगिंग मी एंड सेइंग थैंक यू,
कि मैडम आपने उनको बुलाया और यू नो लाइक आई थिंक इट्स देयर ड्रीम, कभी उन्होंने ड्रीम भी नहीं किया था कि दे कैन एवर मीट समबडी लाइक दिस. सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल एंड मेरी तरफ से, परिसर आशा की तरफ से और हमारे पूरे स्कूल और बच्चों की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं. आई एम श्योर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा हिट हो जाए एंड जिस तरह से आपने ये प्रमोशन किया है कि जहाँ पे आप इवन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग एंड यू नो द वे व्हाट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे यू कैन एक्चुअली गेन लॉट ऑफ यू नो ब्लेसिंग्स. सो आई थिंक विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर टीम एंड Yeah, absolutely, absolutely. मैं भी इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि अपना बचपन याद आता है जब आप ऐसे स्कूलों में जाते हो. Yeah. हम लोग भी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं तो फिर स्कूल का ऐसा माहौल दिखता है, बच्चे दिखते हैं तो एक्चुअली वो इमोशन बाहर आ जाता है. स्पेशली ये बच्चे जो है क्योंकि हम लोग बहुत क्लोजली उनके साथ काम करते हैं तो उनके घर पे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं. They can't afford good quality education. So our organization, we are working towards that. In fact, I would like to also tell you कि हमारी एक free parenting helpline है, parent and child helpline, जो specially इन बच्चों के लिए ही बनी गई है कि जहाँ पर हम लोग free counseling देते हैं क्योंकि इतने सारे इनके emotional issues रहते हैं, social issues रहते हैं कि normally हम लोग tackle नहीं कर पाते. तो I think it's a best thing क्योंकि जिस तरह से खुशी आज हमारे बच्चों को मिली है, thank you so much for giving that. Do you think it's a good start when we talk about you know a child who's not that privileged and you're getting people on board? Yes. From Bollywood, do you think it's a good start that more people should come? Yeah, yeah, absolutely. In fact, yahan pe I would like to also tell you that last 2 years ago we had conducted one film making camp for these kids and we had invited all the big time film personalities over here who interacted and our children have actually composed 5 very sensitive films which you can also you know like view it on our YouTube channel. We have Parisar Asha's YouTube channel, so you can view that. Hamare bachcho ne banayi hai ye film. Thank you so much. Thank you. Thank you. वो 250 वाला तो आपन मेरी कौन सी वाला.